देखेंगे ना, पहले वो डब्बा को हटवाएंगे, बोरी को हटवाएंगे, तब एक खाली बोरी में सबको बिटोर खिटोर के बैठा सबके बिटोर ला कंडूपन है। हम सुन लिए, हम बैठा नहीं है। नहीं नहीं सर, ना होगा आपको पूछेंगे समझेंगे, आपको जांच पड़ताल करेंगे, बैठा नहीं देंगे। ये फिनिश प्रोडक्ट है मार्केट में सप्लाई के लिए, रॉ मटेरियल है पैक करने वाला तो वो एक और कुछ देखिए बोला बोली में कुछ हो गया सर, यहाँ पे हो गया सर। चलिए कुछ सब कुछ उठवा लीजिए क्या सर, बीच की रसीद दे दीजिए ना, बहुत दूर जाना है ना। पहले इसको एक तरफ किया जाए, जगह बनेगा तब ना धीरे धीरे घर निकाला जाए, उसके बाद इसको वो तो दूसरा चीज का कंटेनर है। पानी नहीं रह सकते इतना जगह। सिपाही जी लेडीज को बताइए तो भीड़ लगी है। मैडम 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 जान ले लेगा ठीक है। इसमें लगाना पड़ेगा दो आदमी हाथ। बरामद हुआ किस तरह के दवा बरामद? देखिए ये ड्रग डिपार्टमेंट को ये करीब करीब 2-3 महीना से ऐसे खबर मिल रही थी कि पटना में विभिन्न स्थानों पे ऑक्सीटोसिन की अवैध कारोबारी की जा रही है। इसमें ड्रग डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर मिले, ठीक है, इस पर चर्चा हुई और ये बात कि इस नेक्सस को कैसा छोड़ा जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से अवैध दवा है जो मेनली कैंसर कर सकता है और हार्मोनल टाइप का ये मेडिसिन है। इसमें ड्रग डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर इसके पीछे लगे करीब 2.5-3 महीने से। आज SSP पटना के और SP से इसमें बात करके ये नेक्सस को तोड़ा गया है। करीब करीब आधा दर्जन संस्थानों पे या छापामारी ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस पदाधिकारी पुलिस के सहयोग लेकर किया गया है, जिसमें अभी तक 2 गिरफ्तारी हो चुकी है और करीब करीब 10 लाख से ज़्यादा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और केमिकल्स और साथ बरामद किया गया। सर किस तरह की दवा मतलब बनाई जाती थी या बेचा जाता था? ये पूरी तरह से अवैध दवा है, इसको स्पूरियस दवा कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिना लेवल का है, ऑक्सीटोसिन है, ये भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित दवा है। कितने की? ये दवा जो है ये मेनली सब्जी में यूज किया जा सकता है अवैध रूप से, या जो मवेशी हैं उनके दूध निकालने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है सर, क्या नाम है? संदीप शाह, ड्रग इंस्पेक्टर।